धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान रियातभारा कैंपस रोपड़ के निदेशक डॉक्टर सुरेश सेठ ने कहा कि ग्रुप ने कृषि, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, लॉ और नर्सिंग जैसे आवश्यक 75 प्रोग्राम स्टूडेंट्स की जरूरत अनुसार शुरू किए हैं। 75 प्रोग्राम विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार प्रारंभ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि रियातभारा ग्रुप द्वारा करवाए जा रहे कोर्सेज पेशा प्रमुख हैं और संबंधित स्किल सेक्टर काउंसिल और संबंधित उद्योग हर साल कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट का विश्वास दिलवाता है। उन्होंने बताया कि रियातभारा ग्रुप 23,000 से अधिक स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, डिप्लोमा और डिग्री देने में सफल रहा है और आने वाले समय में ये बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और अनपढ़ के बीच की दूरी को कम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत नौजवानों को ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कृषि, भोजन, रिटेल, सुंदरता और तंदुरुस्ती समेत 12 अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे रहा है, जिसमें वित्तीय सेवाओं और बीमा, उद्योग, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएसए, फार्मेसी और दूरसंचार भी शामिल हैं। सर, आज का जो हमने पत्रकार सम्मेलन किया उसका विषय यही था कि जो नए कोर्सेज हमने शुरू किए हैं उसके बारे में बताया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने स्किल इंडिया के अंडर स्किल काउंसिल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बी वॉक के प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो इंडिया में अपनी तरह के पहले प्रोग्राम हैं, लाइक होटल मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट जिसको हम एयरलाइंस मैनेजमेंट कहते हैं, और इसी तरह से ब्यूटी एंड वेलनेस मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर नेटवर्किंग, इस तरह के प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, जिसमें जो सर्टिफिकेशन है वो दो तरह की होगी, एक यूनिवर्सिटी की, एक स्किल काउंसिल की, और उस बच्चे को नौकरी दिलवाना स्किल काउंसिल की जिम्मेवारी बन जाती है जो बच्चा उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग टेस्ट पास कर लेता है। तो ये एक नया इनिशिएटिव है जो भारत में, नॉर्थ इंडिया में एटलीस्ट हम पहली बार शुरू करने जा रहे हैं। और जो एविएशन मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम है जिसमें एक साल के बाद बच्चा एयर होस्टेस का रोल कर सकता है और उसके बाद 3 साल की डिग्री करने के बाद एविएशन मैनेजमेंट पूरा एक बैचलर प्रोग्राम है, ये इंडिया में पहली बार हो रहा है और बाकी सारे प्रोग्राम नॉर्थ इंडिया में पहली बार शुरू हो रहे हैं। तो स्किल इंडिया मिशन के अंडर हम बच्चों को बी स्किल्ड बी इंडिपेंडेंट वाला जो मोटो है गवर्नमेंट का उसको फॉलो करके हम ये शुरू कर रहे हैं। सर, कितने पैकेज के ऊपर जो आपके बच्चे जो हैं वो प्लेस हुए हैं अभी? सर, पैकेजेस वेरी फ्रॉम, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि हमारे पास एक स्टूडेंट है जो 17 लाख के पैकेज पे प्लेस हुआ है, तो बच्चे 10 लाख के पैकेज पे प्लेस हुए हैं, 7 लाख के पैकेज पे प्लेस हुए हैं। तो इसलिए अलग अलग बच्चे हैं जो अलग अलग अपनी इसको कहते हैं क्वालिटीज के हिसाब से प्लेसमेंट होती है। सो एवरेज पैकेज जो हमारा चलता है वो सर 4 लाख से लेके इट गोज अप टू 20 लाख। प्लेसमेंट में क्या, रायतभारा जो यूनिवर्सिटी है वो बच्चों को जो